कितना खूबसूरत नजारा है ना, पक्षियों के साथ उड़ते हुए हम चले चंडीगढ़। गोल्डन टेंपल का हुआ सफर पूरा, अब हम निकल पड़े हैं चंडीगढ़। तो ये गोल्डन टेंपल के आसपास की जगह है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनू के वीलॉग। तो वीनू, मैं हूँ वीना और मेरे साथ मेरे हस्बैंड है करण। ये है अमृतसर का मुख्य द्वार, जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ नहीं है, ये गोल्डन कलर का है केवल। चंडीगढ़ की रोडें भी इतनी खूबसूरत सी लगती हैं क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे ग्रीनली ग्रीनली और हर जगह पे पार्क बने हुए हैं। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं रॉक गार्डन के लिए। तो देखिए रॉक गार्डन में हमने क्या क्या देखा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में यहाँ पे हमारा टिकट सेशन, जहाँ पे एडल्ट का है 30 रुपीज़ और चिल्ड्रंस का है 10 रुपीज़। यहाँ से कुछ डमीज वहाँ से लगे हुए हैं, कुछ डमी है जिसमें कि कुछ आर्टिफिशियली वर्क किया है। ट्रेन स्केट है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो रही है। एंट्री हो चुकी है। गाइस इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, ऊपर से मुझे फीवर भी आ गया और मैं थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई। ये रॉक्स हैं, रॉक्स के ही स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। कैमरामैन जरा आप अगर इधर दिखाएं, ये जो पेड़ है ये हमारा अभी टाइम से कितना टाइम से है। ये देखो टाइल जो होती है ना टूटी हुई, वही है देवी देवता है। यहाँ पे वॉशरूम है, ये वॉशरूम को बड़ा इलाका है यार, कुछ भी मतलब। ये देखो, ये देखो, ये जो लाइट के सॉकेट होते हैं ना पुराने, ये देखो ये बने हैं लाइट के सॉकेट टूटे हुए, जो मटके होते हैं ना, मटके फूट जाने के बाद उनका स्ट्रक्चर। इसको दूर से लेना जरा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाटरफॉल पाइप की जरूरत है। पुराना घर है, देखिए ना मिट्टी का लिपाई कर रखी है, जो गांव घर में होती है। दोस्तों ये है चंडीगढ़ का सबसे फेमस रॉक गार्डन। ये आर्टिफिशियल है, वो है रेडीमेड ओरिजिनल पूरा है, आर्टिफिशियल है बट बहुत सुंदर लग रहा है। इस आंगन में हमने की बहुत सारी फोटोशूट। फिर हम बढ़ चले झरने के पास और झरने के पास हमने नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है और गिरने का रिस्क ज़्यादा है। तो फिर भी हमने एक चांस लिया और हम पहुँचे झरने के करीब। साफ लिखा है दीवार पर ना चढ़ा क्योंकि बहुत कीचड़ हो रहा है, फिर भी लोग चढ़े जा रहे हैं।
वीकनेस की वजह से बहुत थकान हो चुकी थी और हम एंड कर रहे थे इस पूरे रॉक गार्डन को, बट सर ने बताया कि यहाँ तो बहुत कुछ है और देखने को। उधर 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 आपके पास ये स्टोन है, पत्थर को चिपका चिपका के बनाया है। यहाँ पर जितने भी चीज़ें प्रेजेंट की गई थी वो सब के सब वेस्ट मटेरियल से बनाई गई थी। इवन कोई भी प्लास्टिक की टूटी हुई चीज़ें हैं, टाइल्स हैं, चूड़ियाँ हैं और पेपर्स हैं। माय गॉड, बहुत बड़ा वाटरफॉल है यहाँ पे। एक्वेरियम है यहाँ पे, फिशेस हैं अलग अलग टाइप की। अभी हम आगे को देखेंगे और भी प्रकार के फिशेस हैं यहाँ पे। ये देखो कलरफुल फिशेस, पूरी कलरफुल है, छोटी छोटी छोटी। देख रहे हैं, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो इतनी सुंदर है ना। और आगे चलते हैं, आगे देखो पूरी वाइट फिशेस है। देखो पूरी वाइट सिल्वर कलर की, बहुत सुंदर लग रही है, स्पार्क कर रही है। यहाँ पे एक गोल्डन कलर की है, गोल्डन और गोल्ड जिसको बोल सकते हैं ना, उस टाइप का कलर है, बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे देखिए एकदम खरा सोना, बहुत बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग। सिर्फ पूछ में सिर्फ येलोइश कलर है। यहाँ सबको पता ही है कैटफिश है, लेते नहीं है ये, खरीदते थोड़ी यही रहेंगे। पानी पी, उसके बाद हमने पिया ठंडा सा पानी और हम निकल पड़े आगे की ओर। स्टेडियम है यहाँ पे, कट्टर पे दिखाएंगे पत्थर अपना। देख रहे ना हमारी नजर कहाँ को है, सिर्फ और सिर्फ झूले में, तो हम सीधे चल पड़े झूले की ओर। तू हमें बता ना, हमें यहाँ पर खींचना है। बैठो बैठो, आप बैठो। जीजा साली भाई, इन को देख लो, आज तो पूरी बचपन ही निकाल दिया ना। यार बचपन याद आ गया झूलों का, तो इतनी मस्ती करी हम, छोड़ ही नहीं रहे थे हम बच्चों की तरह, बिल्कुल जीत पे जीत की भाई अब मुझे ही झूलना है, किसी को चांस नहीं मिलेगा। कैमरे में दिखाओ अपना चप्पल। ये देखो ये ना, ये एनिमल्स हैं, लाइक गाय भी बनी है इसमें, बैल भी बना है, एलिफेंट भी बना है, और ये सब के सब जो वेस्ट मटेरियल है उसी से बनाया गया है। यहाँ पे ना कुछ दूरी पे मंकीज भी देखे हैं हमने। ये टाइल से ह्यूमन बीइंग बनाए गए हैं और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी क्रिएट किए गए हैं। पीछे से देखिए, लास्ट में दिख रहा होगा, जिराफ बनाए हैं, गोट बनाई थी, और ये देखो ये बर्ड्स बनाई है, ये बैंगल की बनी हुई है, बहुत जो टूट जाती है ना बैंगल्स, तो उसकी बनाई गई है। देखो पिकॉक बनाई है, अलग टाइप की बर्ड्स यहाँ पर पूरी तरीके से, इतनी सुंदर लग रही थी यहाँ पर। और फिर हमने आगे देखा, देखो ये फौज खड़ी की गई थी ह्यूमन की, और यहाँ पे कठपुतली टाइप बनाई थी ह्यूमंस की, और जो कि पूरी बैंगल से बनी हुई थी। आपको यहाँ पे थ्रेड भी दिखेगा, कुछ थ्रेड के जो हम फेंकते थे रोली, उससे बनाई गई थी, और बाकी जो जितना भी था मटेरियल ये सब बैंगल्स का बना हुआ था। दोस्तों अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं इस फेवरेट डिनर के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर।